सम्राट समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के दूसरे राजा थे। देश में मुद्रा के चलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान तांबे से लेकर सोने तक की मुद्राओं को लागू किया। उन्होंने अपने शासनकाल में मुख्य रूप से 7 तरह के सिक्कों को शुरू किया, जिसे आगे चलकर आर्चर, वेकलैक्स, अश्वमेघ, टाइगर स्लेयर, राजा और रानी और लेरिस्ट जैसे नामों से जाना गया। समुद्रगुप्त ने अपनी निपुणता और कुशलता से पूरे भारत को जीत लिया था और वह कभी युद्ध नहीं हारे। इस वजह से प्रसिद्ध इतिहासकार बी ए स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन करार दिया। पढ़िए इतिहास की यह प्रेरक कहानी सिर्फ द वेटर इंडिया के साथ।